हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आधार कार्ड के ऊपर है। तो दोस्तों पीवीसी आधार कार्ड घर बैठे कैसे मंगाते हैं, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि पीवीसी आधार कार्ड होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पीवीसी आधार कार्ड जो होता है दोस्तों वो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये है जो कि मेरा ये पीवीसी आधार कार्ड है जो कि मैंने मंगाया था ऑनलाइन ऑर्डर करके। और दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों कि कई सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि हमारे आधार कार्ड का सिक्योर करती है, सिक्योरिटी फीचर्स लगी हुई रहती है। और दोस्तों अगर पानी में ये गिर गया तो दोस्तों इसे भींग जाने पर भी इसे कोई नुकसान नहीं होता है, फटता गटता कुछ नहीं है दोस्तों। ये फ़ायदा होता है हमारे पीवीसी आधार कार्ड का। और आप मात्र 50 रुपये में आप घर बैठे अपने एड्रेस पे पीवीसी आधार कार्ड को मंगा सकते हैं, वो भी दोस्तों पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आएगा। और ये आधार कार्ड आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होगा गवर्नमेंट के द्वारा। और हम मोबाइल का स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको, और पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। हमारा मोबाइल का स्क्रीन ऑन हो चुका है, तो आप भी अपने मोबाइल का स्क्रीन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है आधार कार्ड, आधार कार्ड लिख लेना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा शुरू में UIDAI, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको आगे नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको इंटर आधार नंबर कर देना है। इसमें दोस्तों आप अपना जिस आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड में मंगाना चाहते हैं इसमें अपना आधार नंबर को लिख देना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों हम अपना आधार नंबर लिख दिए। उसके बाद नीचे में कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को भी हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा नीचे सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ उस नंबर पे आपको एक ओटीपी गिरेगा। तो देखिए दोस्तों हम अपने आधार कार्ड में ओटीपी डाल के लॉगिन कर लिए हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, तो दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि सारा आधार कार्ड का डिटेल्स जो होता है वो सब आ चुका है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नीचे में दिख रहा होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुट का निशान, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा मेक पेमेंट, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वेट करना है। तो देख सकते हैं 50 रुपया कटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम अपना UPI पिन डाल देते हैं, जो भी मेरा नेट बैंकिंग है उस पर सेलेक्ट करके हम डाल देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फोन पे पर हमने भेजा था लिंक, तो यहाँ पे आ चुका है नोटिफिकेशन। अब मुझे 50 रुपया है जो पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों पे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहां पे क्लिक कर देंगे, तो देख सकते हैं यहां पे भी दिख रहा है आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुका है। और यहां पे नीचे दिख रहा होगा डाउनलोड एंड लॉजमेंट, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये रहा मेरा रिसिप्ट, डाउनलोड हो चुका है। अब मोबाइल पर मैसेज भी गिर जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड PVC है जो ऑर्डर हो चुका है, और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमारे घर तक ऑर्डर किया हुआ पीवीसी आधार कार्ड आ जाएगा। अपना स्टेटस जांचना है कि हमारा जो आधार कार्ड ऑर्डर जो ऑनलाइन किए थे पीवीसी कार्ड में, उसका स्टेटस क्या है, कहां पहुंचा है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा गो टू डैशबोर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है। उसके बाद देख रहा है आपको रिक्वेस्ट,
नीचे दिख रहा होगा ऑर्डर, आधार कार्ड, पीवीसी कार्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करेंट स्टेटस, प्रिंट इन प्रोसेस में है, एयरवे बिल नंबर यहाँ पे, फिर डेट ऑफ डिस्पैच, जिस समय डिस्पैच होगा यहाँ पे डेट सब कुछ आ जाएगा। और ये है दोस्तों आपका नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि आपने आधार कार्ड का जो पीवीसी कार्ड है उसको चेक कर सकते हैं, इस नंबर से आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।